Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महबूब को जो चाहो मनाना, अपनी तो
लेके आना, बेचते हैं रस्ते में रस्ते कमाल सस्ते में, बेचते हैं रस्ते में रस्ते कमाल सस्ते में। जंदे भैया कहाँ से आ रही? डांस क्लास से। हाँ, कैसे हैं बद्री महाराज? अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, किसी रोज मिलूंगा, उनसे मेरा नमस्ते कहना। हाँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ए बाबूजी, यहाँ सेंट्रल जेल कहाँ है? सेंट्रल जेल? वहाँ कौन है तुम्हारा? है कोई, उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। चलो तुम्हें मिलवाए देते हैं उससे, हम लोग वहीं जा रहे हैं, आओ आप चलो। अच्छा बाबूजी। आओ। ए, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? घबराओ नहीं, थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे उनके पास पहुँचा देंगे। अच्छा चल। यहाँ आराम करना है ना? यही आराम करेंगे। अच्छा, तो इसलिए मुझे यहाँ लाए हो? कुत्ते मुझसे टक्कर लेने आए हैं। कतराती ही चली जा रही हो, क्या बात है भाई? अच्छा, तो अब तेरी बारी है हाँ? अरे पकड़ इसे, बड़ी होशियार बन गया, छोड़ दो, देख ले तो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हमसे चला की Thank you.
तुम अकेले इतनी दूर इस अनजाने शहर में क्या करने आई? अपने पति को ढूंढने। पति को ढूंढने? मगर फिर शादी कब हुई? एक अजब दर्दनाक कहानी है भैया। आज से 3 साल पहले अपने उस छोटे से गांव में जब तुम्हारा और बापू का झगड़ा हुआ था। आओ चमेली जान जियो। बिंदु आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगा। नहीं भैया, छोड़ दो मुझे। बापू जी क्या हो रहा है? देख रहे हो और पूछ रहे हो क्या है? मुंशी जी दीजिए हमारे बाबू का। बाबू निकलो यहाँ से। देख नहीं जाके दर हम भी इज्जत वाले हैं, बेइज्जती का बदला लेके ही रहेंगे। हम कचहरी जाएंगे। हाँ कचहरी के बच्चे कितने? ये कैसे नहीं जाएंगे बाबू? कुछ तो शर्म दीजिए। आपके घर में जवान बेटी जिसके हाथों को सुहाग की मेहंदी का इंतजार है, जो हर रोज सामने वाली चौकट से अपने बदचलन बाप की काली कुतूतों का तमाशा देखती है और अपनी तकदीर पर सो सो आंसू बहाती है। इसकी फिक्र मुझे तुम्हें नहीं। और तुम्हारे घर से निकलने के कुछ ही दिनों बाद दो अजनबियों ने हमारे घर में कदम रखा। पधारिए, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। तशरीफ रखिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली से आगरा तक का सफर याद करिए। ओह कमर साहब, नौकरी करता है, बड़े अच्छे खानदान का है, लेकिन बाप जो है ना अपना पुराने ख्याल रखता है, उसे लालची है। मतलब ये 50,000 के जेवर 50,000 नगद दहेज मांगता है। तो कोई बात नहीं, मेरी भी एक ही बेटी है। एक बेटा था वो आवारा बनकर घर छोड़कर चला गया है। मैं पूरी जायदाद इसी के नाम कर दूंगा और इसे घर से भाई बना लूंगा। मिठाई मंगाइए, बात पटकी हो गई। विनोद बेटा आओ, आपके पैर छू। और चंद रोज के बाद उसी नौजवान से मेरी शादी होगी। भाग के जोड़े में लिपटी हुई दुल्हन उस बन मुट्ठी की तरह है जिसमें से न जाने क्या निकले। अब इस चांद को बादलों से बाहर आने दीजिए। अब शर्माइए नहीं, हटाइए ना घूंघट। मेरे पति मुझे लूट के चले गए।
आगे घर ना छोड़ा था और पिताजी से झगड़ा न किया था। भैया, जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। खैर, इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद पुलिस ने मुझे अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे पति ने वो घर शादी के फौरन ही पास किसी सेठ को बेच दिया था। या अल्लाह, वो पति का एक कसाई। जिंदगी के वो 3 साल मैंने कैसे गुजारे ये तो मेरा दिल ही जानता है। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा पति एक माना हुआ मुजरिम है और बुरे से बुरा काम करना उसका पेशा है। और इस वक्त वो क्या नाम है उसका? हाँ, सेंट्रल जेल। हाँ। वहाँ वो बंद है, वो अपने इमाम बड़े के पीछे वाली जेल। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल सुबह वो वहां से रिहा होने वाला है। ओ, तो तू उसका स्वागत करने आई है? वाह रे भारत की नारी, तेरा भी जवाब नहीं। पति चाहे तुझ पर जो भी जुल्म करे, मगर तेरी तपस्या में कभी फर्क नहीं आया। ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे विश्वास है अगर वो मेरी ये हालत देखेंगे ना तो उन्हें जरूर मुझ पे दया आ जाएगी। बड़ी बोली आप, जिस दिन गुंडों के दिल में दया आ गई उस दिन भारत की जेलों में हथकड़ियों की आवाज नहीं बल्कि मंदिर के घंटों की आवाज आएंगी। खैर, आज तक तेरा दुख सिर्फ तेरा दुख था, अब तेरा भाई भी इसमें शामिल है। और हम नहीं। वाह उस्ताद, कर गए ना पत्तेबाजी। अच्छा लगिया तो अपना भी इंट्रोडक्शन मार दो। अरे हाँ, बिंदु का बताना भूल गया, ये है महमूद मियां। अपनी छोटी सी उम्र में घाट घाट का पानी पी लिया। न बाप का पता न माँ की खबर। पहली बार जब इस बेरहम दुनिया में आंख खोली तो अपने छोटे से वजूद को उस दीवार पर पाया जो एक मस्जिद और एक मंदिर के दरमियान खड़ी थी। अब इसे जो चाहो समझो। आज ये समझना क्या है, इंसान के बेटे शैतान की दुनिया में आ गए। इसी तरह तो जी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। आ जाओ अपने प्रॉब्लम पे। किशोर भैया, जब इस दुनिया में सांप है तो सपेरे भी। क्या मतलब? डैश डैश डैश, कुछ समझा भी करो, बड़ी मोटी अकल पाई है। ठीक है बिंदु, कल तेरे पति जब जेल से बाहर निकले तो हमें दूर से बता देना, बस हम जाने और हमारा काम। देखो भाई, आपकी बार 3-4 महीने बाहर लगा कर आना, बाहर का हवा पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी कंपनी से तंग आ गए हो क्या? बिस्तर पैनल लगा के रखना, शायद शाम को ही वापस आ जाओ। दीदी नहीं बैठ रहो, मैं भी जरा नजदीक से देख लेता हूँ। छोड़ा गया। मैं अपने बहनों से अपना थोपड़ा भापने आया हूँ, देखता हूँ कितने पानी में पहुँच ले। चलो गया नीचे तो नहीं होता।
महमूद लगता है ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, तू दुमदु को लेकर घर चल, मैं इसको देखता हूँ। संभाल के बात करो नहीं तो 32 के 32 बाहर निकल आएंगे। अरे दादा है दादा, इसे तलाशी लो। तलाशी ले अपने बाप की। सीधे से तलाशी दो। भाई साहब जब आपने बटुआ मारा नहीं तो तलाशी देने में क्या हर्ज है? हाँ हाँ ले लो तलाशी। अरे थे तुम सठा गए हो यार, ठीक से अपनी जेब देखो, शायद कहीं आई नहीं हो तुम्हारा बटुआ। क्या कर रही है आगे देखो तो सही, क्या देखें? देखो भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर, मैं समझता था इस शहर में मैं ही एक उस्ताद हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी दो कदम आगे निकले। तारीफ का शुक्रिया, बंदा काम सब जानता है मगर जिंदगी ईमानदारी और शराफत की बसर करना चाहता है। ख्याल बुरा नहीं, अगर दुनिया ईमानदारी और शराफत से रहने दे तो। पढ़े लिखे हो? जी हाँ, ये बात। कोई काम धंधा? दो वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। ये कोई बड़ी बात तो नहीं, तुम जैसे होशियार आदमी को तो लाखों में खिलना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लो भाई विनोद आ गया भाई। सलाम अब्दुल। और रोज जेल से कब निकला बंधु? मैं सादा सादा निकला हूँ भाई। और फिर हो जाए दो दो आप। सलाम सलाम। आज तो गेम जरा उनकी हो जाएगी। हेलो चलिए आज चक्कर हो माल से माल लड़े भाई जल्दी। हाँ भाई क्या पंटुष है? आप पंटुष को देखते रहे यहाँ हैंडरम नहीं हो गई? नहीं माल नहीं माल माल नहीं दिए मैं दादा हो तो ऐसा हो दो दो एक गेम और दूर है। हाँ भाई हेलो विनोद, एक चीज हमारे हाथ से भी खेलो। क्यों मारा भाई? तू कौन है बोलने वाला है? Hi, Prince Charming. Have some for my glass. Sure. Thank you. अरे यार पता है बहुत देर लगा। क्यों प्रिंस? बॉस के चमचे? ठीक है। गुड मॉर्निंग बॉस। ओ हेलो विनोद, कम इन कम इन। अच्छा किया तुम आ गए, बहुत सारे काम मेरे अधूरे पड़े तुम्हारे बगैर। सब ठीक हो जाएगा, हुक्म दीजिए। आप कौन है? मेरा दोस्त, आज मुलाकात हुई है, बड़े काम का आदमी है। मुझे तो कुछ नजर आते हैं।
नोट फरमाइए। ओ आदमी अपने पन का उस्ताद मालूम होता है। जी शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो इन्हें अपने साथ रख सकते हो, लेकिन भरोसा। हेलो क्या क्या तुम आपके माल की भरी किस्तें भर गई क्या? रखो गली मार दो। हमारे आदमी पकड़ा गया, ये अच्छा नहीं हुआ। विनोद का मुद्दा किसी भरोसा लेना, कल से तुम सारा काम संभालो। डोंट वरी बॉस। हाय जानी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सुबह के जैसे निकले हो और अब यहाँ आ रहे हो। जानी मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मैं आ नहीं सका। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, चलो मेरे कमरे में। जानी मैं नहीं आ सकता, मेरा दोस्त मेरे साथ है। तो फिर कब आओगे? रात रात को। मैं जानी ये रात कब आएगी और तुम कब आओगे, इतना लंबा इंतजार नहीं हो सकता। चलना Thank you.
इतनी देर क्यों लगाती? आते होंगे, पहुंचने से पहले पड़े ना। लो वो आ गए। भैया क्या हुआ तुम्हें? भैरवी साहब ने पहला स्वागत किया है। कहीं मार्केट तो नहीं हो गई? कोई खास नहीं, बस ये दो चार खास पड़ गए। कस के पड़े होंगे ना, मुजरिम के हाथ उठे। बात कहाँ तक पहुँचे? सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम किशोर नहीं। भैया तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम बने? मतलब साफ है बहन, तुम्हारे पति को एक ना एक दिन तुम्हारे चरणों में गिरना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो क्यों मेरे चरणों में आकर गिरेंगे? मैं उनके चरणों में जाकर गिरूंगी। ओहो, बात तो समझा करो दीदी। भैया तो सिर्फ बोल रहे हैं, सचमुच तो नहीं गिरा रहे हैं। बैठो। अच्छा भैया आगे बोलो। तुम्हें इस सिलसिले में हमारी पूरी मदद करना पड़ेगी। मगर मुझे करना क्या होगा? ये हम और किशोर भैया सीक्रेट मीटिंग में डिसाइड करेंगे। क्या सीक्रेट मीटिंग? क्यों इंग्लिश की टांग तोड़ रहे हो? अरे खास पंचायत समझे। जल्दी से गर्म पानी का बंदोबस्त करो, देखो तो कितनी चोट आई है। बहुत लगा है ना? बहुत जरा तुम यहाँ आराम करो, मैं बाजार होके आता हूँ। बाजार क्यों? राखिया लेने, कल राखी बंधन है ना। बिंदु दीदी हमें राखिया बांधेगी। मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये लो। कितनी राखियां आई और चली गई, मगर तुम ना आए भैया। तुम जहां भी हो अपनी बहन की राखी स्वीकार करो। न जाने वो दिन आएगा भी या नहीं जब बचपन के बिछड़े हुए दोनों भाई एक साथ बैठ के इस त्योहार को मनाएंगे। वो दिन जरूर आएगा भैया। भाई की दुआओं में शायद इतनी ताकत ना हो, मगर बहन की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। जब देखो इसी तस्वीर में खोए रहते हो। क्या ये तस्वीर मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? खूबसूरत तो नहीं शगुफा, लेकिन तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरी जिंदगी है। जानती हूँ तुम्हारे लिए सपना कभी पूरा भी होगा? जरूर होगा। अगर मेरे भाई बहन इस दुनिया में है तो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेंगे। इतना भरोसा? क्या बात है? पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया, हमारा एक आदमी भी गिरफ्तार हो गया। कुछ सोना बचा कर लाया, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ये बैग मुझे दे दो, तुम जाओ। रुक जाओ वहां, वरना गोली मार दूंगा। लाओ ये बैग मुझे दे दो। बैग में मेरी पर्सनल चीजें हैं। इसमें स्मगल की आवाज सुना है? आपका धोखा है। चुप रहो, लाओ बैग मेरे हवाले कर दो। लाओ अपनी आंखों का इलाज कराइए इनसे। खामोश सिपाहियों, एक भी आदमी बाहर जाने ना पाए, यहाँ का कोना कोना छान मारो। जब तक आप कुछ ठंडा या गर्म पिएंगे? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आपको सख्त जरूरत है इंस्पेक्टर, क्योंकि आज आपने मार खाई है, आप बौखलाए हुए हैं। खामोश, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। न जाने मेरा हाथ तुम पर क्यों नहीं उठता। इसलिए कि तुम बुजदिल हो इंस्पेक्टर, हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। खामोश साहब, बैग का कोई पता नहीं चला। ठीक है, दूसरी बार सही। जो एक बार हार गया वो दूसरी बार क्या जीतेगा इंस्पेक्टर? ओके, विल सी। बाय बाय। दीदी ये है टेलर मास्टर किलमदीन। नहीं किलमदीन, तुम्हारा नाम रखा हुआ है। खुद तो है पुराने फैशन के, लेकिन कपड़े नए फैशन के चीजें। और बिंदु ये है मिस फ्लोरी, जो तुम्हें मेकअप करना चाहेंगी और तुम्हारे बालों में नए नए स्टाइल बनाएगी। हाय हाय हाय। और ये है मिस रीगो, जो आपको इंग्लिश में गिट पिट सिखाएंगी। हेलो। अरे हेलो नहीं, हेलो का मतलब नमस्ते।
अच्छा तुम्हें यहाँ आओ, ये है डांस मास्टर मिस्टर रॉबर्ट, ये तुम्हें इंग्लिश डांस सिखाएंगे, ये देखो। अच्छा भैया मुझे ये मुसीबत नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसे अच्छी हूँ, ले जाए तुम्हें सामने से। ले जाए तो ये समझो दीदी, आपके पति तो आपको जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, क्यों भैया? बिल्कुल ठीक, वो फिर कुछ जुर्म करके जेल की हवा खाएंगे। और मैंने बिल्कुल ठीक, उनको सीधे रास्ते पे लाने का एक ही तरीका है, वो क्या? जो मैंने कहा आपने देखा सुना, यानी कि कहिए फटाफट ये कर लो, ये कर लो, मेरा मतलब हाँ या ना। अच्छा पापा जैसे तुम्हारी मर्जी, आइए माता जी। ओ सिस्टर कम ऑन, सीधे लगा होने दे। शर्माने चाहिए तुम लोग को, इतनी लापरवाही से काम करते हो, अगर पुलिस को उसने एक भी उल्टा सीधा बयान दे दिया तो सबके सब जेल में नजर आओगे। मगर विनोद बात क्या, अरे यार तुम क्या बात है, बहुत गर्म नजर आ रहे हो। ठंडे रहकर ये ठंडे नहीं होते। तुम सुना कहाँ थे इतने दिन? तुमने यहाँ आने जैसी कोई बात ही नहीं रखी थी, फिर भी अरे हाँ उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हाँ मैं तुम पे हाथ उठ गया। कोई बात नहीं, एक दोस्त का हाथ तो था तो मुझे माफ कर दिया, माफी इसलिए मिलेगी पहले तो इसके लिए कुर्बानी करना पड़ेगा। वो क्या? सिर्फ मेरे घर चल के खाना खाना पड़ेगा। लो नेकी और पूछ पूछ, आज ही चलो। प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, जी चाहता है सारी तबेले मैं ही साफ करता हूँ, तो कर देना तो कर देना, तो अपने बहनों ही साथ क्या करेंगे जिनके लिए ये सब पका हुआ है, गाजर का हलवा पुलाव दही बड़े, लगता है दीदी ने सारी जान इनमें डाल दी। कोई है? ऐसी फर्स्ट क्लास पैकिंग करना जैसे मिस इंडिया में नर्गिस पैकिंग हुआ। अच्छा दीदी बेस्ट ऑफ लक, उनके पास आओ फार्मूला नंबर 90। अच्छा समझ के ना दीदी। अरे बॉय बड़ा खूबसूरत घर है तुम्हारा यार। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? क्या पियूंगा? जो हम पीते हैं वो तुम पिलाओगे नहीं, इसलिए जो तुम पिलाओगे हम पी लेंगे। मेम साहब की ड्यूटी पे था, मेम साहब ताजमहल होटल में डांस पे जाते हैं ना। ओ ये मेम साहब कौन है? मेरी छोटी बहन। अच्छा काफी मॉडर्न ख्याल थी। हाय मेम साहब। हेलो भैया, माफ करना मैं जो डांस के लिए जा रही हूँ। बाय। अरे भाई घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर दो। How do you do? I mean, मालूम होता है आपको कहीं देखा है। जी मुझे हाँ पार्टी में क्लब में या किसी गर्लफ्रेंड के साथ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड? ओह हाउ सैड, यू आर जस्ट लाइक माय भैया।
यू मस्ट हैव वन गर्लफ्रेंड। अरे हाँ, तुम लोग आपस में बातचीत करो, मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। बिंदु, आज का ताज महल का डांस कैंसल। ओके भैया, कैंसल कैंसल। वेरी गुड कैंसल। अच्छा बताइए, क्या पियेंगे? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हम पिलाते नहीं, आज के लिए मैं फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। लगता बाप पहुंचे ना फिसल गया। लेकिन स्कीम किसने बनाई थी? वाह वाह, चमचागिरी मैंने की, झंडा तुम्हारे घर पे, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। अभी आपने कहा था ना कि हर एक आदमी की एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बेशक। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगे? ओह, यू आर टू फास्ट। सोचेंगे, अभी तो पहली मुलाकात है ना। चाय। व्हाट? अरे ये क्या हुआ? ओ, चाय गिर गई। खैर कोई बात नहीं, चाहे का पाँव पर गिरना बहुत शुभ होता है। जी हाँ जी हाँ, खासकर से पाँव पुरुष के हो और हाथ नारी के। खाने का क्या हुआ? जरा मसाला भूना उसे। सबको बड़े जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी खाना बनाओ। माफ करना किशोर, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। यार तुम्हारी बहन बहुत अच्छी। हाँ, मॉडर्न ख्याल आपके होते हुए भी घर का कामकाज खुद ही कर लेती। इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? अभी लड़का ढूंढ रहा हूँ, जब भी मिल गया इसके हाथ पीले कर दूंगा। बड़ा खुश नसीब होगा। कौन? मैं। खाना ले आए? खाता है बिल्कुल। अरे विनोद, यहाँ बैठो। बॉस ने तुम्हें इसी वक्त बुलाया। बॉस ने? हाँ, मुझे अभी जाना होगा। अरे अरे भाई, खाना तो खा लो। खाना खाने में कितनी देर लगती? सारे किशोर भैया, हम पर कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमने जो तुम्हें वचन दिया है उसे पूरा करेंगे। उसे जब यहां तक ले आए तो सीधे रास्ते पर ले आए। अब सो ऐसे नहीं, दांत निकाल दे। ये बात है। अरे महमूद, लगता है आज ये कोई खतरनाक काम करने के लिए जा रहा है। चलो हम उसका पीछा करें, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कपड़े बदल जाती। आज ईद है और नवाब साहब ने मुझे दावत दी है, शगुफा मनाचेगी और तुम खाने के वक्त, मौका अच्छा है, वाद खाली नहीं कहना चाहिए। डोंट वरी बॉस। गुड बॉय। बिंदु, मैंने कुछ रुपए तुम्हें रखने के लिए दिए थे, उसमें से 200 रुपए मुझे दे। मगर किस लिए? सवाल पूछने का वक्त नहीं है, यकीन रखो ये पैसे किसी अच्छे काम में आएंगे। जो मैं मुझ... हाँ दीदी, इससे बढ़ के कोई नेक काम ही नहीं हो सकता। अरे आई आई, वालेकुम सलाम, क्या खबर है? मजे में, आप काम है? क्या काम? समझ गए ना, बेहोश कर देना है। टांग वांग टूटी तो कोई बात नहीं, आके मेरे घर पे फेंक ही डालना। देखो मैं, वो काम तो तेरा हो जाएगा लेकिन माल वाल। अरे उस्ताद ये लो, ये है आधा माल, बाकी माल काम होने दे। देखो मैं बहुत हमसे पत्तेबाजी नहीं है। कमाल है, उस्ताद से पत्तेबाजी कर किया जान से है ना। अच्छा उस्ताद, खुदा फिर हो बड़े ना, खुदा फिर खुदा दे। Thank you.
Yeah.
आदमी के घर में शरीफ आदमी के, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? अब आप जवाब दीजिए। मेरे भैया आपको यहाँ लाए हैं। आपके भैया? हाँ, आप रास्ते में बेहोश पड़े थे। जरूर पड़ा होगा, मेरा तो काम ही ऐसा है, रोज किसी ना किसी के साथ दंगा फसाद हो ही जाता है। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो होगा ही, बेशुमार चोटें जो आई हैं। तू बैठ जा। आप घबराइए नहीं, दर्द अभी दूर हो जाएगा। मैं आपको अभी लेप लगा देती हूँ। लेप लगाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ लगते ही दर्द मिट जाएगा। काश मेरा रोज किसी के साथ झगड़ा हुआ करे और आपके भैया मुझे यहाँ उठा कर ले आया करे। ऐसा नहीं करते। बड़े पेशेंट हैं। जी मैं आता तुम सबों को गोली मार दूं। ये पहली दफा हमारा डाका फेल हुआ और तुम्हारे हाथ से एक मामूली आदमी बैठने लगा नाना थे। मगर बॉस मैं कुछ नहीं सुना चाहता। विनोद कहाँ है? यही तो पता नहीं चला, वो पुलिस की हिरासत में भी नहीं। आज शाम तक मुझे पता चलना चाहिए कि विनोद कहाँ है। ना गलत दवाइयाँ नहीं लगवाएंगे तो आराम कैसे आएगा? इतनी गर्म, जितनी गर्म दवाई लगवाएंगे उतनी जल्दी आराम आएगा। यही तो मैं नहीं चाहता, अगर मुझे आराम आ गया तो तुम्हारे भैया मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा जनाब, दर्द हमेशा थोड़ी ही रहेगा। कोई बात नहीं, अगर एक दर्द मिट गया तो हम दूसरा खड़ा कर लेंगे। वो कौन सा? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैं जनाब से पूछने आया था, जनाब टेबल से खाना करिए या जमीन से? बिस्तर से। ठंडा खाएंगे या गरम? गरम। साथ में सादा पानी पियेंगे या बर्फ का? ओहो बर्फ वाला। अरे मैं एक बात पूछना ही भूल गया, आप साथ में लाल मिर्ची खाएंगे या काली? हरी। अजीब सरफरा लड़का, हमेशा गलत मौके पे आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो पैसा जो कल रात नवाब साहब के यहाँ से चोरी हुआ था। ये बैग तुम्हारे पास कैसा है? जैसे चोर को बैग लेकर मैंने भागते हुए देखा, मैंने उसका पीछा किया। एक मुकाम पर पहुंचकर काफी मारपीट के बाद ये बैग मैंने उससे छीन लिया। अब ये आपके मालिक है। शाबाश नौजवान, शाबाश।
आज अगर भारतवर्ष का हर नौजवान तुम्हारी तरह बहादुर और ईमानदार बन जाए तो इस मुल्क का बेड़ा पार हो जाए। बैठो बैठो, कहाँ रहे थे तुम? इसी शहर। क्या काम करते हो? गली गली में गा गा कर छोटा मोटा सामान बेचते था। ओह, तुम्हें संगीत से शौक है? तुम बद्री महाराज को जानते हो? जी हाँ, हमसे मिलने की तो बड़ी तमन्ना है। क्या आप? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। अच्छा। मेरी जो छोटी बहन है उनकी शिष्या है। आज ही एक बहुत बड़े डांस ड्रामे की रिहर्सल शुरू होने वाली है। अरे मेरे घराने की नाक कटवाएगी क्या? हो जा शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
मैं आपके लिए पुलिस इंस्पेक्टर का एक पत्र लेकर आया। ये मुसीबत नहीं, साथे पुरानी कंटिन्यूटी मालूम होती है। अरे बजंती जरा इन्हें रोल सुना देना, पर होल मत सुनाना, वो मैं सुनाऊंगा, बस हाँ सुनाना। हाँ आइए जना। अरे तो आपको पानी लाना रे, पानी। मलन ले गई रे मलन दी। ओ बलवान क्या है ये? क्या मैं पूछता नहीं, क्या हो रहा है? देख रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं? ये सैनिक बाबा घर है, कोई दूसरा ढूंढ लो। जाते हो कि नहीं बोला वाचन को? जब तुम ठीक तरह से चल के नहीं सकते तो फिर बिस्तर से उठते ही क्यों हो? इसलिए कि तुम मुझे इसी तरह रोज सहारा देती रहा करो। सहारा? मर्द सहारा देते हैं लेकिन। अरे तुम्हारे मुझे कहाँ गए? वो मैंने साफ कर दी, तुम्हें पसंद नहीं थी ना? बिल्कुल। अब देखो तुम कितने अच्छे लगते हो। सच? तो आओ चले। अरे तुम तो ठीक तरह से चलने लगे हो, लेकिन कैसे बनाया तुम्हें? जाने मन कुछ भी कहो, लेकिन ये दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। करने लगा है प्यार तुम्हें, प्यार तुम्हें, ये बात तुम्ही समझाओ हमें, समझाओ हमें। इजहार करें तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? शीशे पे जमी है धूल भी, धूल भी, हाथों में गिरा है फूल भी, फूल भी। हमने तुम्हारे चेहरे पे रंग तमन्ना देखा है, हमने तुम्हारी आंखों से प्यार छलकता देखा है।
अब ना इतना तड़पाओ, तरसाओ तुम्हें प्यार की कसम। शीशे पे जमी है धूल भी धूल भी, हाथों में घिरा है फूल भी फूल भी। हम प्यार करें तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, शीशे पे जमी है धूल भी धूल भी। दोनों का है एक सफर, दोनों की है एक मंजिल। रोज निगाहें मिलती हैं, आज मिला लो दिल से दिल। अब ना इतना तड़पाओ, तरसाओ तुम्हें प्यार की कसम। शीशे पे जमी है धूल भी धूल भी, हाथों में गिरा है फूल भी फूल भी। हम प्यार करें तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, शीशे पे जमी है धूल भी धूल भी धूल भी। तुमको अपनी जवानी से प्यार नहीं क्या सच कहना, साथ बना लो अपना हमें मुश्किल है तन्हा रहना। अब ना इतना तड़पाओ, तरसाओ तुम्हें प्यार की कसम। शीशे पे जमी है धूल भी धूल भी, कांटों में घिरा है फूल भी फूल भी। हम प्यार करें तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, दिल करने लगा है प्यार तुम्हें ये बात तुम्हें समझाओ हमें, इजहार करें तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, दिल करने लगा है प्यार तुम्हें उससे क्या मतलब? अब वो मुझे छोड़ चुका है। नालायक गधा कहीं का, इतनी अच्छी बीवी को छोड़ दिया। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। बिंदु, तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? मैं हिंदुस्तानी औरत हूँ जनाब। जिस मर्द का दामन एक बार पकड़ लिया, किसी दूसरे का ख्याल भी करना मेरे लिए पाप है। लेकिन उस साधन ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, ये भी तो सोचो। ये मैं क्यों सोचूं? उसका किया उसके सामने आएगा। मैं तो अब भी उसे दिलो जान से चाहती हूँ। वो मेरा पति परमेश्वर है। अजीब औरत हो, एक तरफ मुझे चक्कर में डाला है और दूसरी तरफ खुद किसी के चक्कर में पड़ी है। मैं अभी इस बात का फैसला तुम्हारे भैया के साथ करता हूँ। इस चक्कर में मत पड़ना जनाब, वहाँ भी वही जवाब मिलेगा जो यहाँ मिला है। चांसेस आर वेरी फ्यू। अच्छा, देखता हूँ। ये क्या
तुम तो कहते हो तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई। फर्क करो हुई भी तो तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लो आप सुनिए, मेम साहब से शादी करने चले, वो भाई साहब आईने में थोड़ा देखा है। खामोश, मैं बैरों लोगों से बात नहीं करता। अच्छा बताओ आखिर माजरा क्या है? मेरा तो दिमाग चकरा गया। हुजूर, अगर आप जैसे होशियार आदमी का दिमाग चकरा गया तो आप जैसे सीधे साधे आदमी होगी क्या होगा? मजाक छोड़ो और भगवान के लिए इस मुसीबत का कोई हल निकालो। मैं बिंदु से बेहद मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर पागल हो जाऊंगा। क्यों बैरा, क्या ख्याल है तुम्हारा? विनोद बाबू सब कीजिए, हमने रास्ता निकाल दी। तुम रास्ता निकालने वाले कौन होते हो? मैं इस जगह खास समझा हूँ, अगर जरा भी उल्टी चाबी घुमा दी तो तुम्हारी मोहब्बत वापस हवा हो जाएगी, समझे? पसंद भी जाएंगे। तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम लोग मेरी शादी बिंदु से करवा दो तो मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारा यकीन कैसे किया जाए? बेरा ठीक कहता है, तुम्हारा यकीन कैसे किया जाए? किशोर, बिंदु मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है और मैं उसी की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा। ठीक है बॉस, इनकी बढ़िया सुन ली गई। अब उजड़े वाला बंदा नासिक बैठ के गौर करेंगे, फैसला कल सुना दिया जाएगा। धन्यवाद। तुम यहाँ हो, घूम घूम के सारा शहर छान मारा, कहीं पता नहीं बॉस ने अभी बुलाया है। बॉस से जाके कह दो कि आज से मेरा और उसका कोई वास्ता नहीं। ये बात चलकर वहाँ कहना होगी। मेरे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर मुझे हुक्म हुआ है। आपकी बला से आपके आदमी मुझे जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए थे। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। मैं किसी जगह अपने जख्मों का इलाज करवा रहा था। उन जख्मों का कौन इलाज करेगा जो कि तुम्हारी लापरवाही से मुझे मिले? डाका फेल हो गया, माल पुलिस हाथों आ गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने अभी काम करना बंद कर दिया। काम बंद कर दिया? इसके बाद क्या करोगे? शराफत की जिंदगी बसर करूंगा, शादी करके अपना घर बसाऊंगा। शादी? कौन है? है कोई? बेवकूफ, जानते हो कौन है? ये वही लड़की है
जिससे तुमने शादी करके सुहाग रात को तमाम उसका जेवर और देनमली रकम लेकर भाग गए। क्या ये सच है? जब उसे तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो जानते तुम्हारी क्या हालत होगी, वो तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारे मुंह पर थूकेगी। अगर ये सच है तो मुझ जैसा खुशनसीब कोई नहीं, ऐसी देवी के चरण में बार बार धो के पीऊंगा। विनोद, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। मुझसे टक्कर लेना आसान नहीं विनोद। ऐसी देवी के प्यार का आंचल अगर सर पर हो तो मैं भगवान से भी टक्कर ले सकता हूं। बाय बाय बॉस। बॉस, इसकी ये हिम्मत। क्या बात? किशोर बिंदु कहाँ है? बिंदु? हाँ हाँ बिंदु, मेरी बीवी बिंदु। वाह वाह वाह, अब मुझे सब मालूम हो गया है। बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने। बिंदु मेरी बीवी है, मेरी ब्याहता बीवी। बिंदु, सब का सब गांडा फूट गया। बिंदु मेरी डार्लिंग बिंदु, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। अपनी बीवी को हाथ लगाने का हक किसको नहीं? हक तो आज आपका मुझ पे हक भी हो गया। उस रात को जबकि शोहर अपनी बीवियों को खुशियां देते हैं, जिनके घर साथ निभाने के कसम खाते हैं, उसी रात को आपने मुझे लूटा, अपने जीते जी मुझे विधवा करा दिया। तेरे देवता जैसे बाप के सिंह ले लिया आपने। बुरे से बुरे पति होते हैं दुनिया में विनोद बाबू, लेकिन आपसे बढ़कर शायद ही कोई होगा। बिंदु, बिंदु मुझे माफ कर दो। मैं कौन हूँ माफ करने वाली विनोद बाबू? औरत तो बनी है मर्दों के जुल्मों से तम सहने के लिए, उसे तो रोने की भी इजाजत नहीं दी जाती। बस करो बिंदु, बस करो, अब मुझे और जलील ना करो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। रुपए पैसे के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो बिंदु। ये क्या कर रहे हैं? माफ कर दो बिंदु। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। लेकिन सुनवे, इस नेक काम का सेहरा सिर्फ मेरे सर पे। वाह उस्ताद, कर गए ना पति पति, सिर्फ तुम्हारे नहीं हम दोनों के जॉइंटली ऑन हवर है। चुप है साले, साले गाली देता है। हाँ हाँ साले, बोल दे बेटा तेरा भी टाइम है। जहाँ ये बहने अपने भाइयों को इतना मान दिलाती है, वहाँ एक छोटी सी गाली भी सुनवाती है साले। दर्दे दिल थम गया, तुम मिले हम गया, दर्दे दिल थम गया। अब हमें जिंदगी का मजा आएगा, अब हमें जिंदगी का मजा आएगा। हर साथ रहने की खाके कसम, उम्र भर साथ रहने की खाके कसम, आज आगे बढ़ाए हैं मैंने कदम।
वक्त कितने ही तूफान उठाए मगर वक्त कितने ही तूफान उठाए मगर अब इरादा न मेरा बदल पाएगा अब इरादा न मेरा बदल पाएगा Thank you.
मुझे कुछ हो जाता तो तुम दो करो सारी उम्र गुजर कर सकता बिंदु की इज्जत बचाओ तुम्हें मुझे घर मत करो तुम जाओ तुम्हें मेरी कसम जाओ 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 मैं की शहादतों को मद्देनजर रखते हुए और मुअज्जिज जूरी के फैसले का एहतराम करते हुए अदालत मुल्जिम विनोद कुमार को मरहूम किशोर कुमार का कातिल करार देती है और इस जुर्म की तादाश में 7 साल कैद बामशक्की की सजा दी। साल के लिए मुझे जेल की दीवारें रोक नहीं सकती बॉस। इंस्पेक्टर साहब, अब की बार मुझे कौन से जेल में लेके जा रहे? सेंट्रल जेल मैको। टाइम लगा दे जरा देखो तो ये क्या देखो बॉस 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 खत्म हो गया विनोद तेरे हाथों से भाग गया। ओ। अब क्या होगा बॉस? वो तो भरी अदालत में धमकी देकर गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं, अव्वल तो उसे पुलिस नहीं छोड़ेगी। अगर पुलिस से बच गया तो हम नहीं छोड़ेंगे। अपने आदमी से कह दो जरा होशियार रहे। ओके बॉस।
तुम्हारा नाम महमूद है? हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, देखो तुम लोग सब अंदर जाके देखो। लेकिन क्यों? विनोद इसी घर में रहता था ना? जी हाँ, लेकिन उसे झूठे जुर्म में जेल हो चुकी है। तो पुलिस के हिरासत से भाग गया। भाग गया? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह ने बेगुनाह इंसान को कैसे बचाता है? चुप रहो। तुम विनोद को कब से जानते हो? जब से हम उसे इस घर में रहे। क्या मतलब? मतलब ये जब से उनका प्रेम अपनी पुरानी बीवी से हुआ। पुरानी बीवी? ये बहुत लंबी कहानी इंस्पेक्टर साहब, आपकी समझ में नहीं आई, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा ये बताओ तुम विनोद के बारे में और क्या जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। क्या? वो एक अच्छे घर के लड़के हैं, बचपन में वो अपने भाई बहनों से बिछड़ गए थे, शायद किसी मेले में। मेले में? जी हाँ। ये देखिए ये उनके भाई बहन की तस्वीर है। ये उसके भाई और बहन की तस्वीर है? जी हाँ, विनोद भाई इस तस्वीर को अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे से रखते थे। रात को इसे देखकर सोते थे और सुबह जाकर इसे देखते थे। इसके बगैर तुम्हें चैन ही नहीं आता था। तुम सच कहते हो? मैं झूठ बोल के भी क्या करूँगा इंस्पेक्टर साहब, आप तो चुप हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं विनोद को पता चले तो पुलिस को खबर कर देना। जी हाँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। मैं विनोद भैया की खबर और आप तक, अभी तक मेरा खून सफेद नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। शट अप। सुनिए तो, कश्तियाँ आप किनारे पे पहुँच जाती है, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। आ रहे हो इंस्पेक्टर साहब? क्या कहा भैया, मिल गए? और मिला भी तो उस हालत में जब मुझे अपनी बहन का मंगेतर का खून करने के सिलसिले में उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो भैया? विनोदी वो आदमी है जिसने किशोर का खून किया। मगर ऐसा ही हुआ है क्योंकि कानून भी यही कहता है। हालांकि दिल मेरा भी नहीं मानता, मेरा भी नहीं मानता। विनोद भैया थे? हाँ, क्या सोच रहा था? कभी खाता कभी यूं पानी पीकर सो जाता। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता जब से किशोर लगा। मैं जानता हूँ मुझे किशोर भैया का कितना दुख होगा, लेकिन रोने से क्या होगा? अभी तो हम दोनों ने मिलकर किशोर भैया के खून का बदला लेना है। तुम्हारी दीदी को जालिमों की कैद से रिहा करना है। पूछो बॉस, मैं सोए हुए पे वार नहीं करता। आपसे जल्द ही मिलने का वादा किया था। बहुत खुशी हुई तुम पुलिस के हाथों से बचाए। बॉस, उस्तादों से उस्तादी, जिस चीज की आपको तलाश है वो मेरे पास है। सॉरी बॉस, अब जल्दी से उस कमरे की चाबी निकालिए जहां बिंदु कैद है। मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जैसे ही बिंदु आजाद हो जाएगी वैसे ही तुम आजाद हो जाओगे। मुझे
अपने आदमी बुला। अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो मेरे डैडी कैसे बुरा बने। क्यों पिक पिक जरा फिर से बोलो। हाँ चले डैडी बिल्कुल। चुप है, चलो मैं बाय बाय को। चलो चलो तुम जा रहे पिक पिक। हाँ। कब आओगे? फिर आऊंगा, पहले तो अपने डैडी की फर्ज करो, फिर मैं आऊंगा। अच्छा डैडी तुम बहुत चुप है। मगर तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? शो करके आ रही हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है? बैठ जाओ टैक्सी में। ओ विनोद भैया, अरे यहाँ आओ यहाँ आओ, ये तो अपनी विजयंती दीदी है। विनोद भैया तुम नहीं जान, ये वही आदमी है जिस पर किशोर भैया के खून का झूठा इल्जाम लगा है। तुम तो मेरे पिछड़े हुए भैया। पिछड़े हुए भैया? भैया कितना इंतजार किया इस घड़ी का मैंने भैया। मुझे नहीं तू, अरे कितनी बड़ी हो गई तू। अपने भाभी से मिल बिंदु। भाभी वाह वाह प्रभात, तेरा भी जवाब नहीं, तू भी बहुत लफड़े वाला आदमी है, कभी आदमी चांद पर कभी चांद आदमी पर। अब ये अपना रोज का ग्राहक है, पन इसके बाप को भी नहीं मालूम था कि इसका बिछड़ा भाई सड़क पे मिल जाए। ओ भाई साहब, ये आपकी बहन, आपको बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी आपके लिए। ये तुम्हारा भाई है टैक्सी। विनोद भैया तुम इनको ले जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। भाई रहने तेरे को सबक सुना है, पन अपन में कुछ कम नहीं है। इधर का दादा दादा, तू बहन लोग को लेकर घर चल, मैं भाई लोग से निपट के आता हूँ। और देख अपनी गाड़ी बदरी नाच वाले के घर पर छोड़ देना है। आते हैं, आज आपको भी चैन नहीं? अरे बजा बजा के मेरी घंटी भी गाड़ हो गई क्या? कौन है? तो जंती तुम कितनी रात गए, घर नहीं गई क्या? कहीं जा रही थी, रास्ते में ये मिल गए। कौन है ये? ये मेरे भैया हैं। अच्छे हैं, जीते रहो। 15 साल बाद आज मुझसे मिले, इनको झूठे खून का इल्जाम है। झूठे खून का इल्जाम? हाँ, ये है इनकी पत्नी बिंदु। मैं इन्हें घर नहीं ले जा सकती क्योंकि बड़े भैया इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, ये भेद किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया को बचाने के लिए अगर थोड़ी देर को मुझे भी अंदर होना पड़ा तो हो जाऊंगा। धन्यवाद, जैसा विजयंती ने आपके बारे में कहा था वैसा ही पाया है। अच्छा विजयंती तुम अब घर चलो। हाँ मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। अरे हाँ एक बात और, क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं एक बार अपने भैया के दर्शन कर लूं, चाहे दूर ही से? कितनी बार तो दर्शन कर चुके हो। वो रूप और था और ये रूप और होगा। ठीक है, कल जरूर आना, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा बाय बाय टाटा भैया। क्यों नहीं, आज को खास बात है क्या जो तू चाय लेकर आई है? नहीं तो भैया एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जिस दिन आप विनोद भैया को गिरफ्तार करेंगे उस दिन आप उनसे क्या सुलूक करेंगे? वही जो एक इंस्पेक्टर को एक मुजरिम के साथ करना चाहिए। ये जानते हुए भी कि वो आपका भाई है? बेशक, भाई के रिश्ते से फर्ज का रिश्ता कहीं ऊंचा होता है, मगर तू ये सब कुछ क्यों पूछ रही? बस यूं ही। नहीं नहीं जरूर दाल में कुछ काला है, सच बता। कुछ नहीं भैया। छोड़ दे मुझे, पहुंच जा, छोड़ दे, छोड़ दे भैया। भैया ने मुझे देख लिया, मुझे यहां से जल्दी निकालो। यहां से निकल जा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया वजन थे साहब, शहर की हर वो जगह छान मारी जहाँ कहीं भी विनोद के छुपने का इम्कान हो सकता था, मगर उसका कहीं भी सुराग नहीं मिला। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, किसी भी हालत में उसको पकड़ना है। जाओ शहर का कोना कोना छान मारो, जाओ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
बेटे? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? जब तक हम उस पीढ़ी पीढ़ी वाले लड़के से नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। तुम उससे नहीं मिल सकते, बहुत खतरनाक लड़का है। कभी एक लड़का भी खतरनाक हो सकता है, हम उससे मिलेंगे मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। इसे उस छोकरे से मिला के लाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। थैंक यू डैडी। ना लाए हम उसके लिए खाना भी लेकर। अरे तुम, हाँ तुम्हारे लिए खाना लाओ, जा फिर से पीढ़ी पीढ़ी करो। पहले खाना खा लो, बाद में पीढ़ी पीढ़ी करूंगा। कैसा है खाना? बहुत अच्छा है, तुम भी तो बहुत अच्छे हो, बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह। तुमने हमें छोटा भाई कहा, हम बहुत खुश है। फिर से पीढ़ी पीढ़ी करो ना। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बाप बहुत गंदा है। आइए शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत हैं, बड़ा मुसर्रत हुआ आपसे। आपका बॉडीगार्ड ने बहुत तारीफ किया, हमने जैसा सुना वैसा पाया। व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ पर्सनैलिटी। शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए। क्या पीजिएगा? पीने पिलाने का बात छोड़ो, ऐसा धंधा में जान का खतरा होता है, इस बात को तो मानता है ना तू? बेशक बेशक। तो जल्दी कीजिए, हमारा माल लीजिए, अपना माल दीजिए, खाइए। अपनी जान पर खेल कर लाया हूँ अरब से, इतने सारे हीरों की कीमत सिर्फ 5 लाख। मेरे कमरे में। बेशक बेशक। ले लीजिए सरकार। ये एक एक लाख की गठरी है, एक दो तीन चार छह पांच। सरकार आपने अगर लूट लिया सड़क के बच्चे को, ये देगा तो एक एक लाख लाख रुपए का है। जी हाँ, इसके लिए तो मुझे दर्द दीजिए। बस हाँ बेटे, ये लो। किसने दिया? एक दाढ़ी वाले आदमी। है कुछ होने की जरूरत नहीं बॉस, एक हीरे को छोड़कर बाकी सब नकली। ये है मेरे इंतकाम की दूसरी सीढ़ी, इस पर भी अगर माल वापस लेना चाहते हो तो कल शाम महमूद को लेकर पुराने किले वाली पहाड़ी पर आ जाओ। महमूद मुझे दे दो, अपना माल वापस ले लो। मुझे पहले रखता, तुम दोनों मिनट मला गया। वो विनोद था, विनोद सरकार। ये विनोद कौन? तुम्हारा बाप। बॉस, महमूद को हमारे पास ले आओ और बैग ले जाओ। बैग मेरे हवाले कर दो और महमूद को ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, कुछ तुम पढ़ो, कुछ मैं पढ़ता हूँ, आधे रात में मिलो। मुझे मंजूर है, लेकिन ईमानदारी से काम देना पड़ेगा। तुम मुझे अपने कपड़े दोगे? हाँ हाँ, तुम हमारे कपड़े पहने, हम तुम्हारे कपड़े। अरे कहाँ
मैं भाग जाती हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह आराम करूंगा। लेकिन सुनो जल्दी आ। अभी गया? अभी आया। दीदी इस वक्त वो रंजीत के कब्जे में है, हमें किसी भी तरह उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। मगर कैसे? अभी बताता हूँ। हाँ, इस मामले में हमें शगुफा की भी मदद लेनी पड़ेगी। उस चुड़ैल की? ना बाबा ना। फिर वही बात दीदी, वक्त पड़ने पर तो गले को भी बाप बनाना पड़ता है। जैसा तुम चाहो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। एक दफा हाँ तो बोल दो। मैं तैयार हूँ। आज की रात मार्के की रात होनी चाहिए। ऐसा ही होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पास समझते क्यों नहीं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। आप मेरी स्कीम पे एक मतलब अमल करके तो देखिए, फिर देखना क्या होता है। ओ, ओ, अच्छा बाबा हमें मंजूर है, और क्या करना है? बेवकूफ नालायक, तूने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, बड़ी बड़ी दोस्ती करेगा। लेकिन बॉस अब हमारे लिए क्या होगी? वो लड़का नहीं आफत की पुड़िया है, वो जरूर पुलिस में खबर करेगा, पुलिस या धाम मारेगी। खैरियत इसी में है कि विनोद को फौरन खत्म कर दिया जाए। चलो पकड़ो। Bye.
दे गई। दिन का स्नान निकली, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। तुम जो सारे अफसाने की जड़, अब तुम्हारी बारी है। तुम जी जिसे आप मरा हुआ समझते हैं, लेकिन तुम जिंदा कैसे हुए? लेकिन मैं मरा ही कब था? तुम मर चुके हो। जी नहीं। तुम मर चुके हो। जी नहीं। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा है। ओ, अपने हाथों से मारा है? इंस्पेक्टर, तो तुमने अपने हाथों से मारा, यही बकवाना था?
वाकई महमूद मियां, तुम आदमी तो छोटे से हो मगर दिमाग बहुत बड़ा पाया। इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश दुनिया में छोटे दिमाग से काम नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता क्या? उनकी जगह मैसेज काट लो। महमूद मियां, भैया बिदर छोड़ साले। चलो जय हिंद।